धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु प्यारी साध संगत जी, अज दा जो करिश्मा है जी बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैन रुपिंदर कौर इंसा, पत्नी प्रेमी गुरतेज सिंह, पिंड चक आतर सिंह बाला, जिला बठिंडा तो परम पूजनिक हयूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा दी अपने ते होई अपार रहमत दा इस प्रकार वर्णन करती है। सन 2010 दी गल है कि मैनू परम पूजनिक हयूर पिता जी ने प्रतिक दर्शन दिते। पूजनिक गुरु जी ने मेरे तिन्ने बच्चों के कोर्स बारे भी पूछा। मैं कहा कि पिता जी बच्चे पढ़ रहे हैं। पिता जी ने वचन फरमाया, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दे कुछ दिन बाद मेरे पेट विच दर्द होना शुरू हो गया। फिर मैं फरवरी विच शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेल फोर्स विंग दी ट्रेनिंग लई तेरा सच्चा सौदा सरसा विखे आई हुई सी। ता मैं शाह सतनाम जी हस्पताल विच अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टरा ने दसिया कि तेरे पित्ते विच पथरियां हन, जल्दी ही ऑपरेशन करवाना पवेगा, नहीं तो पित्ता फट सकता है। मैं उसे दिन शाम दी मजलिस विच पूजनिक गुरु जी दे वचना अनुसार बीमारी वाला प्रसाद लिया अते 10 नंबर कमरे विचों दवाई लेके लगातार सिमरन किया। उस दे कुछ दिनों बाद मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा विखे सत्संग वाले दिन सेवा ते आई हुई सी। मैं भैणा वालियां कंटीना ते सेवा निभा रही सी। उत्थे एक अजनबी माता आई, ओह मैनू इशारे नाल अपने पास बुला के उत्थे कोल ही निम दी छावे सफेद चादर विछा के बैठ गई अते मैनू अपने कोल बिठा लिया। उस माता ने मैनू पुछया कि बेटा तू थक गई है। मैं उस माता नू कहा कि माता जी मेरे पित्ते विच पथरियां हन, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। माता ने मैनू चादर ते लिटा लिया। उस माता ने मैनू पुछया कि बेटा दर्द कित्थे हो रहा है। मैं हाथ ला के दसिया कि इत्थे दर्द हुंदा है। उस माता ने उत्थे ही हाथ ला के देखिया अते कहा कि हुण दर्द नहीं होवेगा। माता ने कहा कि मैनू आशीर्वाद मिलिया होया है कि मैं जिस दे भी हाथ लगावां वो ठीक हो जाएगा। ओहो माता 2-3 मिनटां तक मेरे कोल रुकी, फिर उसने कहा कि बेटा तू आराम कर, मैं 50 नंबर कमरे विच जांदी हाँ। उस दिन दे बाद मेरे कदे भी दर्द नहीं होया, पर मैं शरीरिक तौर ते कमज़ोर हुंदी गई। कमज़ोरी महसूस करके मैं सोचिया कि ऑपरेशन तक करवा ही लेना चाहिदा है। मैं अपना समान पैक करके ऑपरेशन करवाउण लई शाह सतनाम जी हस्पताल विच आ गई। उत्थे आ के दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तां मेरा पिता बिल्कुल सही सी, मेरे पित्ते विच कोई भी पथरी नहीं सी। हुण मैनू समझ आ गई सी कि मेरे सतगुरु जी ने माता दे रूप विच आ के मेरा कष्ट कट दिता है अते मैनू जरा भी महसूस नहीं होन दिता। पिता जी दे वचना अनुसार कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे तरह सब कुछ ठीक हो गया। पथरियां दा इलाज भी हो गया अते मेरे 2 बच्चियां नू नौकरी भी मिल गई। पूजनिक हजूर पिता जी दे उपकारां नू मैं कदे भी भुल नहीं सकती। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।